हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया और आइए जानते हैं आज की खास खबरें। एक्ट्रेस टीना दत्ता इन दिनों अपने साथ हुए गलत व्यवहार के चलते सुर्खियों में हैं। टीना दत्ता ने हाल में ही अपने सीरियल डायन के को-स्टार मोहित मल्होत्रा पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। वहीं अब टीना दत्ता के सुर बदले बदले से सुनाई दे रहे हैं। टीना दत्ता का अब कहना है कि उनके और मोहित के बीच सब कुछ ठीक है, दोनों के बीच अब फिर से नई शुरुआत होने वाली है। वेल, टीना के अचानक बदले हुए स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स के जरिए हमें बताइए। एक्ट्रेस सुरवीन चावला का हाल में ही गोद भराई फंक्शन रखा गया था। इस दौरान सुरवीन चावला का बेहद ही खूबसूरत और प्यारा अंदाज नजर आया। उन्होंने अपने लाइफ के इस खास मौके पर येलो और पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, साथ ही साथ बालों में एक प्यारा सा जूड़ा बनाए हुए था। आप भी सुरवीन की इस तस्वीर को देखकर उनकी खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे। बिग बॉस 12 कंटेस्टेंट रह चुकी सोमी खान का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था। सोमी खान का अकाउंट शनिवार की रात को हैक कर लिया गया। इतना ही नहीं, उनकी सारी तस्वीरों को भी डिलीट कर दिया गया। सोमी खान ने अपने साथ हुई इस घटना को लेकर कहा कि मुझे अकाउंट हैक होने के बारे में शनिवार की रात को पता चला। इस मामले को लेकर मैं साइबर सेल डिपार्टमेंट में शिकायत कर रही हूं और अकाउंट रिकवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। वह सोमी खान का अकाउंट एक बार फिर से रिकवर हो चुका है। ऐसे में इस हैकिंग पर आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। कसौटी जिंदगी की टू एक्ट्रेस हिना खान ने अपने जिम वाले लुक की कुछ तस्वीरें क्लिक की थी। इस बार हिना खान ने जो फोटोज क्लिक की है उसे अपने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट की थी। जिम में क्लिक की गई तस्वीरों में उन्होंने बालों में हेयर बैंड लगा कर रखा है और वो बेहद ही क्यूट लग रही है। सोनी टीवी जल्दी बच्चों पर आधारित एक सिंगिंग रियलिटी शो को लेकर आने की तैयारी में है। उस शो का नाम सुपरस्टार सिंगर रखा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस शो को मनीष पॉल और इंडियन आइडल 10 के फाइनलिस्ट नितिन कुमार होस्ट करने वाले हैं। बल्कि आप इस नए शो के लिए एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। तो ये थी आज की खास खबरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए हिंदी रश।